हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका रेसिपीज बाय संध्या में। नवरात्रि स्टार्ट हो गई है तो आज हम बनाने जा रहे हैं व्रत में खाने वाला राजगीरा के आटे का पराठा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि मेरी आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी रेसिपी। एक बाउल ले लिया है, इसके ऊपर छन्नी रख लेंगे। यहाँ पे मैंने राजगीरा का आटा ले लिया है। राजगीरा ना समझ पाओ तो रामदाना हर कोई जानता है, ये रामदाना का आटा है, अमरंथ भी बोलते हैं इसे, चौलाई भी बोलते हैं। ये आप लोगों के इधर दुकान पे मिलेगा कि नहीं मुझे नहीं पता, हमारी तरफ तो बिल्कुल नहीं मिलता, यहाँ तक कि कोई दुकान वाला जानता भी नहीं है। मैंने इसे ऑनलाइन मंगवाया है, ऑनलाइन बहुत ही आसानी से मिल जाता है। मेजरमेंट वाला मैंने कप ले लिया है। आटा रखेंगे, 1.5 कप राजगीरा का आटा लेंगे, छान लेंगे। 2 उबले हुए आलू को ग्रेट कर लिया है, 2 बारीक कटी हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून ग्रेटेड अदरक, 1/2 टीस्पून सेंधा नमक या टेस्ट के अकॉर्डिंग। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। आटे में हमने उबला हुआ आलू डाला है तो सबसे पहले हमें सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, अगर ज़रूरत होगा तो पानी ऐड करेंगे। अभी मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, अब इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे, ज़रूरत होगा तो और पानी ऐड करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करते हुए सॉफ्ट डो लगा लेंगे। यहाँ पे मैंने आटा गूंथ लिया है अच्छी तरह से, इससे लोइया कट कर लेंगे। मोटा या पतला जैसा भी आपको पराठा बनाना हो उसके अकॉर्डिंग ही आप लोइया कट कर लें। कटे हुए लोइयों को ऐसे गोल गोल करते हुए चिकना चिकना पेड़ा तैयार कर लेंगे, एक साइड में रख लेंगे। चकले के ऊपर राजगीरा का सूखा आटा रखेंगे, लोइया ले लेंगे, सूखा आटा लगाएंगे अच्छी तरह से और इससे पराठा बेल लेंगे हल्के हाथों से प्रेस करते हुए। बहुत ही आसानी से बन जाता है, जैसे हम गेहूं के आटे से पराठा या रोटी बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बनता है, कोई परेशानी नहीं होती है इसको बनाने में। खाने में भी टेस्टी होता है, आप इसे दही के साथ या आलू की सब्जी के साथ खा सकते हैं। थोड़ा सा पराठा को समेट लेंगे चारों तरफ से। अगर फास्ट में एसिडिटी की आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती हो तो आप इसे बिना घी या तेल के भी बना सकते हैं रोटी की तरह, तब भी ये बहुत टेस्टी लगता है। यहाँ पे मैंने एक पराठा बेल लिया है, एक साइड में रख लेते हैं और चलिए पराठे को सेक लेते हैं। गैस ऑन करेंगे, तवा रखेंगे, तवा को गर्म होने देंगे। तवा गर्म हो चुका है, बेला हुआ पराठा रखेंगे तवे में और दूसरी तरफ और पराठे बेल के तैयार कर लेंगे। बीच बीच में पराठे को चेक भी करते रहेंगे, नीचे की तरफ से पराठा सिक गया है पलट देंगे। थोड़ी थोड़ी देर पे पराठे को ऐसे गोल गोल घुमाते हुए चेक भी करते रहेंगे, दूसरी तरफ से भी पराठा अच्छी तरह से सिक गया है पलट देंगे। व्रत में आप जो भी ऑयल या घी खाते हो वो यूज़ करें। अब पराठे को गोल गोल घुमाते हुए हल्का सा प्रेस करते हुए चारों तरफ से अच्छी तरह सेकेंगे। दोनों तरफ से पराठा अच्छी तरह सिक चुका है, निकाल के एक प्लेट में रख लेंगे। फिर से तवे में दूसरा पराठा रखेंगे और एक एक करके सारे पराठे को सेक लेंगे। व्रत में खाने वाला राजगीरा के आटे का पराठा बनके बिल्कुल रेडी है। आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल गेहूं के आटे की तरह बिल्कुल सॉफ्ट और टेस्टी बने हैं।
बिल्कुल सॉफ्ट है, इसे आप कितना भी फोल्ड करके देख लो टूटेगा नहीं, और आलू मिक्स किया हुआ है तो और ज़्यादा टेस्टी हो गया है। आप इसे व्रत में पेट भर के खा सकते हैं। तो आप भी मेरे तरीके से राजगीरा और आलू मिक्स करके व्रत में खाने के लिए एक बार पराठा जरूर ट्राई कीजिए। फिर मिलते एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।